नमस्कार दोस्तों, भतो साथ आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, और जो हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं उसको आपको अपने दोस्तों अपने परिवार को भी शेयर करना है, ताकि जो मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा वो आप जानकारी दूसरे तक भी पहुंचाएं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बालिका अनुदान योजना की। दोस्तों बालिका अनुदान योजना क्या है, इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोज देखी है, बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े होंगे। अगर नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, बालिका अनुदान योजना के ऊपर। यहाँ पर मैं उसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको इसके अंदर जो बहुत बड़ा फ्रॉड, जो धोखेबाजी हो रही है आप लोगों के साथ, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों बालिका अनुदान योजना क्या है, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बालिका अनुदान योजना के अंदर जो 50,000 रुपये बेटियों की शादी के लिए दिया जा रहा है, 50,000 रुपये बीपीएल श्रेणी के अंदर जो महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं उनकी जो बेटियां हैं, तो उनकी बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये सरकार दे रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है बीपीएल कैटेगरी की बेटियों की शादी के लिए। और हर परिवार के अंदर मैक्सिमम 2 लड़कियों की 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये की यहाँ पर सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। और इसके अंदर जो है बहुत सारी कंडीशंस या टर्म्स भी यहाँ पर निर्धारित की गई हैं, और ऐसा बताया गया कि इनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका राशन कार्ड होना चाहिए, उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है उनसे मांगे भी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि इस तरह की जो योजनाएँ हैं जिसके ऊपर बहुत सारी लेडीज़ या महिलाएँ या बहुत सारे लोग इस योजना के अंदर लाभ लेने के लिए उन्होंने अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं जमा करवाना स्टार्ट किया, चाहे वो एजेंट के थ्रू, चाहे वो कहीं पर भी। तो दोस्तों उन लोगों को अब यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि इस योजना के अंदर बहुत बड़ा जो फ्रॉड है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये बालिका अनुदान योजना जो है वो योजना है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है इस टॉपिक के ऊपर, आपने Google के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े या नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि बालिका अनुदान नाम की कोई भी योजना अभी तक नहीं है जिसके अंदर 50,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाने की बात कही जा रही है। इस तरह की कोई भी योजना सरकार ने अभी तक लागू नहीं की और ना ही आगे वो लागू करने वाले हैं इस तरह की कोई योजना। और ये योजना जो है, देखिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये PIB फैक्ट चेक जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो ये जो PIB का मतलब होता है, ये होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये जो सोशल मीडिया में इतने जो फेक न्यूज़ जो आते हैं उसको ये चेक करते हैं और उसके बाद ये सही या गलत आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए PIB फैक्ट चेक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर ये कर दिया है सरकार ने कि इस तरह की योजना उन्होंने कभी नहीं चलाई और आगे भी इस तरह की कोई योजना आने के चांसेस नहीं है। तो दोस्तों इस योजना के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है आपसे, हो सकता है बहुत से एजेंटों ने पैसे भी लिए हों और इसके अंदर आपको अप्लाई करवाने की आपको बोला भी गया हो। तो दोस्तों आपको तो ये वीडियो आपने देख ली, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना, ताकि वो इसके बारे में जान सकें और इससे थोड़ा सतर्क हुए। और आपको आस पड़ोसी या आपसे कोई भी अगर इस बारे में पूछता है इस योजना के बारे में, तो आपको भी उनको ये सही सही बात बताने की भी आवश्यकता है दोस्तों, ताकि वो भी इस तरह के जो फ्रॉड इस योजना के नाम पर, बालिका अनुदान योजना जैसी जो फेक ये योजना के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, उनसे आप भी सभी लोगों को बचा सकें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी दूसरे लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।